छोटी सी पूंछ वाली मेंढक एक प्यारी और अनोखी कहानी है। यह कहानी एक छोटे से मेंढक की है जिसका नाम मिनी था। मिनी बाकी सभी मेंढकों से अलग थी क्योंकि उसकी एक छोटी सी पूंछ थी जो अभी तक नहीं गई थी, जबकि बाकी मेंढक अपनी पूंछ छोड़ चुके थे। मिनी को अपनी छोटी पूंछ बहुत पसंद थी, हालांकि बाकी मेंढक उसका मजाक उड़ाते थे और कहते थे, अरे मिनी तुम्हारी पूंछ क्यों नहीं गई, तुम तो अब भी अजीब लगती हो। मिनी को यह सुनकर बुरा लगता, लेकिन उसने कभी अपनी पूंछ से नफरत नहीं की, उसे अपनी पूंछ पर गर्व था। एक दिन जंगल में एक बड़ा संकट आ गया। पास की नदी में बाढ़ आ गई और सभी मेंढक अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। मिनी भी भागी, लेकिन बाढ़ का पानी तेजी से बढ़ने लगा। तभी मिनी ने अपनी छोटी पूंछ का इस्तेमाल किया और एक मजबूत टहनी को पकड़ लिया। अपनी पूंछ की मदद से मिनी ने खुद को बहने से बचा लिया। बाकी मेंढक जो उसकी पूंछ का मजाक उड़ाते थे, अब उसकी समझदारी और हिम्मत की तारीफ करने लगे। उन्होंने महसूस किया कि जो चीजें किसी को अलग बनाती हैं, वही उसकी सबसे बड़ी ताकत भी हो सकती हैं। मिनी की पूंछ अब सभी के लिए गर्व की बात बन गई। मिनी ने भी सीखा कि अपनी अलगियत पर गर्व करना चाहिए और दूसरों की बातों से प्रभावित नहीं होना चाहिए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अपनी अलगियत को अपनाएं, क्योंकि वही आपकी सबसे बड़ी ताकत हो सकती है। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें।